नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के ब्राह्मणों के विषय में, उस बात के विषय में जो अब धीरे धीरे बिहार से खत्म होती जा रही है, वो बात जो कभी बिहार का गौरव हुआ करती थी। कल महानवमी थी, मैंने भी नवरात्र किया था और आपने हवन किया, मैंने भी हवन किया, लेकिन मुझे उस तरह की संतुष्टि महसूस नहीं हुई जो मैं शायद बचपन में देखा करती थी। अभी बस स्वाहा 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 सुनने को मिला, समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार मंत्र क्या पढ़ा जा रहा है, कोई मतलब समझ में नहीं। हालांकि मुझे संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक आत्मिक शांति मिलती थी पहले के मंत्रों को सुनकर। अब आखिर ऐसा क्या हो गया? बिहार के ब्राह्मण जो बहुत नामचीन हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग उनसे पूजा करवाते थे, गायब कहाँ हो गए? क्या हो गया आखिर? देखिए गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। और अब पूजा पाठ के लिए यदि आपको सही तरीके से कराना हो तो लोग ये तलाशने लगते हैं जो संपन्न हैं या जिनके पास मन में इतनी शक्ति है कि अच्छा ये पंडित जी बनारस में पढ़े हुए हैं, बनारस वाले हैं, तब तो वो अच्छे ढंग से पूजा कराएंगे। बिहार के ब्राह्मणों पर विश्वास खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है और बिहार में इस ऐसी स्थिति क्यों हुई, यह सोचने की बात है। ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए, जो आचार्य कहलाते हैं अपने को, पंडित जी कहलाते हैं अपने को। पुरोहित आपने कहला। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। यजमान और पुरोहित परंपरा पर भी हम आएंगे। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो इस मामले में सतर्क रहता हूँ। आपने कहा हवन, तो मेरे घर पर तो खैर वही वाली बात है कि बनारस में पढ़े पंडित जी आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, या फिर हम इसकी तलाश करते हैं कि जिन्हें कम से कम ठीक से ज्ञान तो हो। तो और जो आपको भी बिहार में कोई नहीं मिला, बिहार का नहीं पढ़ा नहीं हुआ नहीं नहीं कोई? नहीं 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 मिला है। उसने बुनियादी शिक्षा बिहार में ही हासिल की है और फिर जाकर बनारस में उसने पढ़ाई की है। देखिए अभी हम आपके स्वाहा स्वाहा पर आ रहे हैं। कल मैं जब अपनी छत पर हवन पर बैठा था तो उसके कुछ समय पहले जो पास में मंदिर है वहां हवन संपन्न हो रहा था। लाउडस्पीकर लगा था, वो पंडित जी स्वाहा 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 कर रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी में स्वाहा 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 कर रहे थे कि वो क्या मंत्र पढ़ रहे होंगे, मैं तो समझ ही नहीं पाया। देखिए ऐसे भी आपको पंडित जी मिलेंगे। देखिए ये पंडित जी की बेईमानी है और जो यजमान है उनकी भी गैर जानकारी है। दुर्गा सप्तशती आप तो खुद कर रही थी, ठीक है, आपको संस्कृत का इतना ज्ञान है नहीं है, ठीक है जो आपने कहा, लेकिन ऐसे पंडित जी मिलेंगे जो कहते हैं कि दिन भर में 5 घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लेते हैं या कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल अपने साथ, अपनी परंपरा के साथ, पूजा के साथ बेईमानी है। अब लोगों ये की आस्था के साथ भी, हाँ लोगों की आस्था जो के साथ आस्था। देखिए पूजा क्या है, ईश्वर में विश्वास है, आस्था है, और बिल्कुल ये तप, ये एक तप है और तपस्या है। अब देखिए स्थिति ये हुई क्यों खड़ा, इस बात को समझिए और बिहार के ब्राह्मण क्यों खत्म होते जा रहे हैं और भी खत्म होंगे। जो स्थिति है कि कारण ये है कि आप अपनी परंपरा को खोते जा रहे हैं। जब अपनी जड़ साफ करते हैं ना, तो देखिए मैं बहुत बचपन में कभी लखीसराय गया था, मेरी कजन सिस्टर की शादी थी तिलक था, तो एक गांव में गया था और मैंने शाम में देखा कि वहां गांव में बरामदे पर, दालान पर मानस का पाठ चल रहा है। आज आपको गांव में यह देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तीसरी जो बात प्रमुख है, देखिए महंगाई बढ़ी है तो जो ज्ञान वाले पंडित जी हैं उनका सम्मान भी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बने। उनकी कीमत भी बढ़नी चाहिए। तो लोगों ने पंडित जी की पूजा को उसी तरीके से समझ लिया जिस तरीके से बाकी चीजों को समझते हैं। अब सोचिए आप 9 दिन नवरात्रा करते हैं, पाठ कराते हैं पंडित जी से और चाहते हैं कि वो सच्चे मन से आपके घर में ही पाठ करें, और आप 9 दिन के बाद उन्हें कहेंगे कि 500 रुपया दक्षिणा ले लीजिए। सोचिए कोई सफाई वाला भी 50 रुपया रोज लेता है क्या? हाँ, तो पंडित जी कहां से पाठ करेंगे? उनके भीतर भी बेईमानी है और आप भी
आप देखिए, बड़े बड़े लोग शादी करते हैं, 5 लाख रुपए की फूल सज्जा करेंगे, 3 लाख रुपए का बैंड बाजा बजाएंगे, 4 लाख रुपए की फोटोग्राफी कराएंगे, 20 लाख रुपए का स्टेज तैयार कराएंगे, 50 लाख रुपए की पार्टी और करेंगे, और रात भर जो पंडित जी पूजा कराते हैं, कन्यादान कराते हैं, स्तुति वाचन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, उन्हें चलते समय आप 1100 रुपये देंगे। पटाखा फोड़ दीजिएगा 5 लाख का, लेकिन पंडित जी को दीजिएगा 1100 रुपया, तो कहां से होगा? हाँ, और देखिए पंडितों के यहां भी क्या हुआ कि जो नई संस्कृति या यो कहें कि जो नई चकाचौंध वाली दुनिया है, वहां ये परंपरा है पूजा। देखिए मैं अपने घर की बात करता हूं, और जो बचपन जो पुराने लोग हैं, जहां अब लोग फिर से जाति पर बहस करने लगे, देखिए मैं जाति पर बहस नहीं कर रहा हूं, कि पहले बच्चे जब होते थे तो आपने भी सुना होगा छठी होती थी, सतैसा होता था, अन्नप्राशन होता था। अब अन्नप्राशन कोई जानता भी है क्या? कोई नहीं जानता। हाँ, खल्ली पकड़ाया जाता था। मैंने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी, पटना के सीनियर एसपी हैं उपेंद्र, अब तो केक कट जाते हैं बस हर महीने। मैंने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी, पटना के सीनियर एसपी हैं उपेंद्र कुमार शर्मा, उनके घर लक्ष्मी आई है, तो अन्नप्राशन समारोह चल रहा था। मन में इतनी तसल्ली हुई, इतनी तसल्ली हुई कि देख, मैं अपनी बात करता हूं कि यदि मुझे बचपन, यदि पहला वाक्य कुछ सिखाया गया था, तो वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। तो अब क्या है कि हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। पंडित जी का बेटा यह समझ कर नहीं अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहता है कि लोग कहेगा अरे पूजे कराबा है। अरे पूजा, आप देख रहे हैं कि अब तो संस्कृत छोड़िए, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के पुट से वह और भी बेहतर तरीके से आप देख रहे हैं कि अच्छा, आप तो YouTube देखती हैं, टीवी देखती हैं, प्रवचन करने वाले लोग आपको कहाँ वाले मिलते हैं? गुजरात वाले मिल रहे हैं, दूसरे दूसरे प्रदेशों में मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण पिछड़ते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, आपको नहीं संस्मरण होगा, पहले जब गांव में बारात जाती थी या शहरों में बारात जाती थी, तो बारात रात को ठहरती थी, ठीक है, नाच गान भी होता था, लेकिन शास्त्रार्थ होता था, जहां बारात गई है और जहां से बारात आई है, वहां के पंडितों में और वहां के विद्वानों के बीच, मतलब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के पंडितों के बीच में। पंडितों के बीच में और वहां जो बौद्धिक लोग थे, शास्त्रार्थ होता था। अच्छा तो अब क्या है, हमारे पंडित जी के बच्चे भी शास्त्रार्थ, शास्त्र को भूलते जा रहे हैं और शस्त्र पकड़ते जा रहे हैं। अब शस्त्र भी कौन सा पकड़ रहे हैं? सरकारी स्कूलों की हालत तो हम बता ही दिए हैं, पंडितों की हालत इतनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब जो गांव में है कि वो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके बड़ी संख्या में, देखिए मैं आनुपातिक बात कर रहा हूं, तो वो जो पढ़ रहे हैं उसके बाद वे पूजा भी नहीं, पूजा करना कराना जानते ही नहीं। देखिए आप सत्यनारायण भगवान, आप छोड़ दिए दुर्गा सप्तशती, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको अच्छे पंडित अब नहीं मिलते हैं। और देखिए बिहार की स्थिति क्या होती जा रही है, हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। इसी बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा महाराज के द्वारा की गई थी, लेकिन आज किसी भी संस्कृत कॉलेज की स्थिति क्या है? जब संस्कृत खत्म हो गई, हिंदी ही खत्म हो रही है, तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, यह बात भी सही। पटना में एक संस्कृत कॉलेज है मंदिरी मोहल्ले में, जिसे हथुआ महाराज ने स्थापित किया था। अब वहां सुनते हैं गाय और भैंस बनता है। अभी पिछले दिनों हमारे ही आपके साथी आलोक इसकी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के यहां चले गए। तो स्थिति क्या है, इस बात को समझिए कि आप देवघर जब अखंड बिहार था, तो एक हिंदी विद्यापीठ थी, ठीक है, बाद में तो ये कहा जाने लगा कि वहां से फर्जी सर्टिफिकेट ही मिलता है, लेकिन हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की अवधारणा ये थी कि हिंदी को जिंदा रखना है। तो इसीलिए आज की तारीख में हम बिहार के ब्राह्मण नहीं, अच्छे पूजा पाठ के लिए खोजने लगे हैं बनारस के ब्राह्मण। और समझिए, देखिए सामाजिक भी,
जो समाज के बड़े लोग होते थे, जो समाज के बड़े लोग होते थे गरिमा जी, वो इन चीजों पर ध्यान देते थे। लखीसराय की मैं बात कर रहा था, लखीसराय में एक नमल कानूरिया जी हैं, आजकल कोलकाता में रहते हैं। तो उन्होंने इन्हीं स्थितियों को देखते हुए, संपन्न लोग हैं, एक गुरुकुल की स्थापना की कि जो आसपास के गांव के ब्राह्मण हैं उनके बच्चे वहां रहेंगे और वेद और शास्त्र पढ़ेंगे। पंडित कमल नयन पांडे, जिनसे आपकी मुलाकात हुई है जी और लाइव स्टेटस पर आते भी हैं, तो उन्होंने उसे अपना योगदान दिया, मतलब जीवन दान ही दे दिया। और वहां से 200-400 पंडित ऐसे तैयार हुए, आचार्य ऐसे तैयार हुए, जो आज देश दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। पंडित कमल नयन पांडे जी तो बहुत ही बड़ी चीज हो गए हैं, मतलब आप भी सुने कि अमरकंटक गए हुए थे वो पूजा कराने, बहुत बड़ा यज्ञ था जहां वो पुरोहित थे। तो अब बड़े लोग भी, अब देखिए गौशाला, जो गौशाला थी क्या हो गई, गौशाला की जमीनें कब्जा हो गई। तो ब्राह्मणों ने अपना संस्कार भी छोड़ा है, तो पुरोहित ने भी अपना संस्कार छोड़ दिया और यजमान भी उनकी प्रतिष्ठा भूल गए। यजमान दक्षिणा नहीं देना चाहते हैं और जो दक्षिणा लेने लायक है वो पूजा नहीं कराना चाहते हैं। अभी स्थिति ये है कि गरिमा जी, यदि आपको पता नहीं है तो पंडित जी क्या आपको पूजा करा देंगे यह आपको मालूम ही नहीं होगा। मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है मेरे हुआ है साथ। ना, हुआ है ना, हुआ है ना। तो लक्ष्मी पूजा के दौरान ऐसा हुआ कि किसी और देवता का मंत्र पढ़ा जा रहा था, मेरे आप साथ गरिमा हुआ है। जी, गरिमा जी यहाँ तो आरती करने के लिए लोग यूट्यूब बजा देते हैं, आरती तक याद नहीं है। तो सिर्फ उनका दोष नहीं, हमारा भी दोष है। और यहाँ आप देखिए ना, अभी अभी समाप्त हुआ पितृपक्ष, गंगा के किनारे जाइए किस तरीके से लोग करा देते हैं। तो देखिए, ये पंडित लोग भगवान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जब यजमान पुरोहित को, आचार्य को संकल्प देता है तो भला और बुरा सब उनके खाते चला जाता है। और और जो जो लोग बेईमानी करते हैं मंत्रों के साथ में या फिर अपने यजमान के साथ में, मैं अपना एक किस्सा बता रही थी कि लक्ष्मी पूजा के दौरान किसी और जो बाकी के घर वाले होते हैं वो इस खौफ में भी नहीं बोलते हैं कि अरे पंडित जी हैं, उनको बीच में कैसे टोक दे। हालांकि मैंने हिम्मत करके बोल दिया था कि अरे ये क्या पढ़ रहे हैं आप, सही मंत्र पढ़िए। तो सबने मुझे बहुत डांटा कि ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने फिर सही मंत्र पढ़ा। तो पांचपन साक्षात जगह दुर्गा सप्ती सप्तशती का वो पाठ करेंगे तो कहां से होगा। अब आप देखिए, जो अच्छे आचार्य, और मैं आपको बताऊं एक वाक्य है, आप किसी अच्छे आचार्य से मिलिए, किसी अच्छे पंडित से मिलिए जी और उन्हें कहिए कि बगला मुखी का जाप करना है। बगला मुखी का जाप शत्रु नाश के लिए भी होता है, ठीक है। बगला मुखी की सामान्य पूजा जो है सुख समृद्धि के लिए। अच्छे आचार्य आपको जल्दी से, शीघ्रता से, ऐसे वाले कोई भी कराने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो आचार्य हैं वो पहले पूछेंगे कि ये आप क्यों करना चाहते हैं, क्या आप किसी की मौत की कामना कर रहे हैं, क्यों मौत की कामना कर रहे हैं। और जो ठेके वाले हैं, फिर से हम उसी शब्द पर आ गए, जिन्हें पता जी कुछ भी नहीं है, स्वाहा 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 स्वाहा। अरे किस मंत्र से आप क्या कर रहे हैं। आप हिंदी में भी पढ़ती होंगी दुर्गा सप्तशती को, तो घंटा डेढ़ घंटा लगता होगा, डेढ़ घंटा तो लग ही जाता होगा। और लोग संपुट पाठ कर लेते हैं, संपुट पाठ का मतलब समझती हैं, संपुट पाठ का मतलब होता है किसी मंत्र के साथ उसे जोड़ कर, तो हर हर मंत्र के साथ वो विशेष मंत्र जोड़ा जाएगा। तो बिहार के ब्राह्मणों ने अपने को दरिद्र कर लिया है, बिहार के ब्राह्मण समाप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए ये बात होने लगी है कि बनारस का ब्राह्मण खोजो, क्योंकि अभी भी वहां काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संपूर्णानंद या इन तमाम जगहों पर पढ़ाई हो रही है। और वहां यहाँ तो अब, और पूजा, ये देखिए संस्कार है, ये जो पुराने आचार्य और जो गुरु हैं वो अपने बच्चों को नहीं दिए, ले भी नहीं रहे बच्चे। उन्हें लगता है, उन्हें भी लग रहा है पंडित जी को मेरा बेटा पूजा कराएगा, वो सरकारी बाबू बनेगा, सरकारी बाबू भी नहीं बन पा रहा है। और पता ही नहीं है कि जो अच्छे पूजा कराने वाले लोग हैं वे आज कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि उनकी संख्या कम होती जा रही है। और दूसरी क्या समस्या है कि अपने को बिहार के पंडित लोग रिफाइन नहीं करते,
बिल्कुल आप देखिए, यही बनारस के पंडित जी को बुला लीजिए, और चाहे वो महामृत्युंजय की पूजा हो, का जाप करना हो, या फिर जो आप श्रावण के दिनों में करते हैं महादेव के लिए, जी तो हाँ, तो आप इतनी सफाई से करेंगे कि आपका घर भी गंदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये वाले वो इसी में लगे हैं कि 1 रुपया यहाँ रखा यजमान, 1 रुपया यहाँ रखा यजमान। अरे भाई, आप 1 रुपया 1 रुपया के लिए मत लगिए, आप पहले से तय कीजिए कि हाँ, हमें इतना दक्षिणा चाहिए। पूजा ऐसी है, देखिए, पूजा कराने वाला व्यक्ति, और यदि मैं मतलब भक्तों को भी कहता हूं जो यजमान होते हैं, यदि आधे मन से पूजा करानी हो तो मत कराइए। बिल्कुल देखिए, पूजा एक निष्ठा है, पूजा एक तप है, पूजा एक तपस्या है। अब यदि पूजा पर मैं नहीं बैठ पाता हूं तो मेरी पत्नी बैठती है, चूंकि काम इतने हैं। लेकिन यदि पूजा हाफ हो रही है, देखिए, लोग कहें कि अंधविश्वास को, देखिए, अंधविश्वास की बात मत कीजिए, ईश्वर में आस्था है तो आस्था है, ठीक है ना। बहुत सारे काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि इसका तुरंत फल मिल जाएगा, बहुत सारे काम इसलिए भी करते हैं कि इससे मेरा मन शुद्ध होगा। यदि हम बिल्कुल अच्छे, टाइम पे हाँ मिलेगा। ये, हाँ यदि हम अच्छे बोल बोलेंगे तो कम से कम बुरे ख्याल तो नहीं आएंगे ना। बिल्कुल हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना। हाँ, तो हम यदि आपको गरिमा जी बोल रहे हैं, तीसरे में बिगड़ तो कुछ नहीं रहा है। हाँ, चाहे तो गरिमा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम गुस्से में कभी गरिमा बोल देंगे तो होगा कि अच्छा, देखिए किस तरीके से बोल रहे थे। अगर गरिमा जी ही बोल रहे हैं तो सम्मान तो एक बना हुआ है ना। तो इसलिए बिहार के पंडितों को यदि अपने को खत्म होने से बचाना है तो शास्त्र पर ध्यान दे, और वो गुण, देखिए, उम्र कभी सीखने की खत्म नहीं होती। बिल्कुल उनके ही बच्चे बनारस जा रहे हैं, और बनारस से वो फिर बिहार नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो पुरोहित यजमान हैं वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। 5 लाख फूल पर खर्चा कर लीजिएगा, 3 लाख पटाखा जला दीजिएगा, पंडित जी को दीजिएगा 1100 रुपया। 1100 रुपया देने में भी कोई कहेगा अच्छा, 1100 रुपया लेकिन आप सोचिए, 500 रुपया में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो सकता है क्या? आपके घर जो सफाई करने आती है उसको भी आप कितना पैसा देते हैं? आप देते हैं 6 हजार रुपया, 8 हजार रुपया, 10 हजार रुपया महीना, जो अपार्टमेंट पे रहते हैं, और पंडित जी को 9 दिन में कहेगा 500 रुपया ले लीजिए, तो वो तो ना वो कर सकते हैं ना आप कराना चाहती हैं, तो आपको फल कहां से मिलेगा? इसलिए, और सरकार को भी, देखिए, संस्कृत को मरने मत दीजिए, संस्कृत भारत की भाषा है, भारत की आत्मा नहीं, हम लोग अपनी ही बात कर लीजिए ना। अगर हम लोग बात संस्कृत के केवल कर रहे हैं तो याद करिए आप नालंदा विश्वविद्यालय को, जहाँ चाइना, जापान, जर्मनी के लोग सालों तक कोशिश है। करते रहते थे यहाँ संस्कृत के लिए एडमिशन करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार के ब्राह्मण अपने को दरिद्र होने से बचाएं, ताकि हम लोग उन्हें प्रणाम करते रहें, उन्हें इज्जत देते रहें, और मतलब पूजा कराने के लिए भी अब आयात न करना पड़े। नहीं तो यार, एक से एक यहाँ के ब्राह्मण में आप विदेशों की बात कर लीजिए ना, संस्कृत कॉलेजेस खुल रहे हैं। आप रशिया की बात कर लीजिए, अलग अलग जर्मनी की बात कर लीजिए, लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और वहां पे अब हमारे यहाँ से सारी चीजें खत्म होती जा रही है। और गरिमा जी, आपने विदेशों की बात कर दी, अभी कुछ ही साल पहले भारत के अखबारों में एक विज्ञापन छपा कि कनाडा के एक हिंदू मंदिर को जो नया बना था उसे पुजारी चाहिए था, और जो पुजारी चाहिए था उसकी विद्वता और उसकी जानकारी, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उनके बारे में तो हो ही, और साथ में हुए हिंदी और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार, ताकि वो लोगों को समझा सके, और उन्हें रहना, खाना, घर सब कुछ फ्री, और $25,000 पर महीने की। $25,000 कितना हो गया? करीब करीब 17 लाख रुपए हो गए। 17 जी लाख रुपए का वेतन हर महीने देने को। तो यदि आप देखिए, जो चीजें गौण होती हैं और उन चीजों को जो हासिल कर लेता है, क्योंकि संख्या कम होती जा रही, आज बनारस के पंडित जी अपनी कीमत पर मिल रहे हैं, और बिहार के पंडित जी अपनी कीमत खत्म कर दे रहे हैं, तो वो सिद्धांत है कि मांग अधिक होगी और सप्लाई कम होगा तो कीमत बढ़ जाएगी।
इसलिए जो विधा है उस विधा को पकड़िए और फिर तो आपकी तरक्की कौन रोकेगा। तो चलिए खैर इस बात को आज बिल्कुल, ये हमारा इतिहास भी और हमारा भविष्य भी इससे सुनहरा हो सकता है। केवल पूजा पाठ की बात नहीं है, इसको हम एजुकेशन से भी जोड़ के देख सकते हैं और आगे बढ़ने की चीज को लेकर भी जोड़ सकते हैं कि संस्कृत को लेकर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने आज बहुत ही अच्छी चर्चा छेड़ी। आपने पहले भी मुझे बताया कि इस विषय में बात करनी है, तो मुझे भी नहीं, बहुत आज अच्छा पूजा का लगा। दिन था, आज पूजा का दिन था इसलिए मुझे बिल्कुल लगा कि कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा होनी ही थी। तो उम्मीद है कि आप भी समझ पाए होंगे कि हम क्या बात आपके सामने रखना चाहते थे। और बिल्कुल सही बात है कि बिहार की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो गौण नहीं होनी चाहिए। हमें उसे लेकर आगे बढ़ना है और ये हमेशा कोशिश करनी है कि इतिहास केवल इतिहास ही ना रहे, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वो कैरी ऑन होता रहे। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।